और रूस यूक्रेन बैटल ग्राउंड से आ रही इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे, यूक्रेन से जिसके गोदाम में ऐसे हथियारों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है जो कि रूस के इरादों को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। जी हां, रूस को ईरान से जिन स्ट्राइक ड्रोन के मिलने की बात सामने आ रही है उनको तबाह करने के लिए स्वीडन ने होवित्ज़र तोपों को यूक्रेन भेज दिया है। यूक्रेन के पास होवित्ज़र तोप मौजूद है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, यूक्रेन के पास जो तोपे हैं उसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं लेकिन ये युद्ध एक कदम और भी आगे बढ़ता जा रहा है। स्वीडन ने अब इन हथियारों की खेप भेजनी शुरू कर दी। अब पुतिन के हिटमैन शाहिद का भी होगा शिकार। पुतिन के फौराती मशीन T-90 भी डर डर कर चलेगा क्योंकि अब ज़ेलेंस्की को पुतिन के घातक हथियारों का तोड़ मिल चुका है। अब आसमान में फाइटर जेट की गरज कम सुनाई देगी और जमीन पर टैंक का दम कम देखने को मिलेगा क्योंकि यूक्रेन को साथी देशों से वो घातक हथियार मिले हैं जिनका महायुद्ध में फिलहाल तोड़ शायद पुतिन के पास भी न हो। शाहिद का शिकार करेगा शार। जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की ने गजब की चाल चली है। यूक्रेन ने अपनी जमीन पर कहर बनकर टूट रहे ईरानी ड्रोन की काट ढूंढ ली है जो रूस के इरादों को हवा में नेस्तनाबूद कर देगा। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने तैयार किया शार्क ड्रोन जिसकी शार्क जैसी चाल भी है, शार्क जैसे सूंघने की शक्ति भी और शार्क जैसी तेज नजर भी जो रूस के पास मौजूद शाहिद 136 का पलक झपकते काम तमाम कर देगा। टारगेट सेट होते ही अटैक करेगा और दुश्मन को चित कर देगा। शार्क को रोकना पुतिन के लिए सिरदर्द बन चुका। शार्क ड्रोन ईरानी ड्रोन से ज्यादा आधुनिक है। शार्क ड्रोन एक बार में करीब 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस दौरान वो 60 किलोमीटर दूर से भी संदेश भेज सकता है। करीब 10 किलोग्राम विस्फोटक के साथ इसके उड़ान भरने का दावा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये दुश्मन के इलाके में घुसकर बारूदी कहर बरपा सकता है। महायुद्ध में ड्रोन से बरसते बम, ड्रोन से ताबड़तोड़ तग रही मिसाइल, अंधाधुंध फायर होते रॉकेट और बारूदी गुबार ने जंग के इस माहौल को और बारूदी कर दिया है। रूस के घातक हथियार आधुनिक मिसाइल कीव पर कहर बनकर टूट रहे हैं। मानो ऐसे कि यूक्रेन को मिटाने की पुतिन ने कसम ही खा ली हो। अब तक हाईटेक हथियारों ड्रोन की कार ज़ेलेंस्की के पास नहीं थी। साथी देशों से ज़ेलेंस्की ने मदद मांगी और अब यूक्रेन के पास सुपर पावर रूस के कई घातक हथियारों का तोड़ है और ज़ेलेंस्की के जाबाज अब उसका जवाब भी दे रहे हैं। शार को ऐसे ही नहीं शायद 136 की कार कहा जा रहा है। उसके पीछे एक बड़ी वजह, शार्क ड्रोन यूक्रेन का जासूसी ड्रोन है। हाइमर्स को टारगेट की जानकारी देता है, रूस के सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को धोखा देने में सक्षम है। रूस के रडार सिस्टम से बच सकता है शार्क ड्रोन। सुसाइड ड्रोन से हमले के बाद अमेरिका रूस में टकराव का पूरा माहौल बन गया था क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध को ड्रोन फोर्स के हवाले कर दिया था लेकिन भारतीय ज़ेलेंस्की के हाथों में है और वो भी उसी युद्ध नीति को अपना रहे हैं जिसे जंग की शुरुआत से पुतिन अपनाए हुए थे। ज़ेलेंस्की को शार्क की तेज परख में अपनी फतह नजर आ रही है। शार्क ड्रोन में आगे की तरफ एक कैमरा है। शार्क ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस है। ड्रोन के कैमरे से तस्वीर 30 गुना जूम हो सकती है। ड्रोन का सिस्टम रियल टाइम इमेज भेज सकता है। मिसाइलों को पीछे करके रूस की तरह यूक्रेन भी ड्रोन को अपना पहला हथियार मान रहा है। ये घातक हथियार की कमी का इशारा भी हो सकता है और दुश्मन को चकमा देने की रणनीति भी, लेकिन बारूदी दहशत को बढ़ाने के लिए यूक्रेन के सामने अभी भी संकट मंडरा रहा है क्योंकि ईरान से रूस को इस महीने 200 और ड्रोन मिलने हैं। रूस को ईरान से जल्द ही मिसाइल मिलेंगी। ईरान रूस को करीब 1000 हथियार और देगा। ऐसे में यूक्रेन सिर्फ एक शार्क ड्रोन के सहारे ही टिका है। दावा किया जा रहा है कि इस ड्रोन के यूक्रेन की सेना में आ जाने के बाद रूसी सेना को टक्कर देना आसान हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से ईरान के ड्रोन का रूसी सेना ने इस्तेमाल किया उसने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए। पर शार्क के जंगी बेड़े में शामिल होने के बाद यूक्रेन की सेना के खेमे में उम्मीद जगी है
कि अब वो पुतिन की आत्मघाती ड्रोन का शिकार कर लेंगे। पश्चिमी मीडिया के खबरों के मुताबिक शार्क ड्रोन अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्च हाइमर्स की मदद भी करेगा। शार्क का टारगेट सेट होते ही हाइमर्स दुश्मन पर रॉकेट की बरसात कर देगा। शार्क की मदद से हाइमर्स ज्यादा सटीक निशाना लगा पाएगा, यानी दुश्मन का बचना अब मुमकिन नहीं नामुमकिन होगा। यूक्रेन की सेना पहले ही दावा कर चुकी है कि महायुद्ध में हाइमर्स ने रूसी सेना पर कहर ढा रखा है। उसकी मार से बचने के लिए रूसी सेना के सारे पैंतरे फेल हो रहे हैं। अमेरिका से मिले इस हथियार ने रूस के टैंकों का तो बुरा हाल कर ही दिया, और अब शार्क का उससे जुड़ना हाइमर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यूक्रेन के मुताबिक अगर ये कामयाब रहा तो इसका उत्पादन और भी तेज किया जाएगा। अब यूक्रेन के सैनिकों को दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने में आसानी होगी, और ज़ेलेंस्की रूस के ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन को मार गिराने में कामयाब होंगे। शार्क की चाल शाहिद को भी फेल कर सकती है। और देखिए, रूस लगातार इस युद्ध में शाहिद 136 का इस्तेमाल कर रहा है, जो कई घंटों तक हवा में रह सकता है, और अपने जो टारगेट है उसके सटीक निशाने के लिए किस तरीके से वो कदम बढ़ाता रहा है उसके बारे में हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। जी हां, कहा यह जाता है कि जब रूस ने कीव पर हमला किया था तो इसी शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब रूस की चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तो रूस के पास गिने चुने शाहिद 136 ड्रोन बचे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के पास शाहिद को मात देने वाला घातक ड्रोन भी आ चुका है। और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी होता है कि अगर युद्ध के मैदान में शाहिद 136 ड्रोन और यूक्रेन का शॉक ड्रोन आमने सामने आते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। जंग में रूस अब तक ईरान के शाहिद 136 का इस्तेमाल कर रहा है, जो कई घंटों तक हवा में रह सकता है। अपने टारगेट पर चक्कर लगाने के बाद ये दुश्मन सैनिकों उनकी सुरक्षा कवच और इमारतों से टकराता है और बम की तरह फट जाता है। जंग की शुरुआत से अब तक ईरान का ये ड्रोन रूस के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुआ है। जंग की शुरुआत में रूस ने कुछ हजार ड्रोन के साथ लड़ाई शुरू की थी। हो सकता है कि अब उसके पास कुछ ही शाहिद 136 ड्रोन बचे हों, लेकिन ये ड्रोन कैमरों से लैस है, साइज में छोटे हैं और बारूदी पवंडर उठाने के लिए काफी है। शाहिद 136 2000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को मार सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और एंटी एयरक्राफ्ट गन को चकमा दे सकते हैं। शाहिद 136 का वजन 200 किलोग्राम है। शाहिद 136 का टारगेट लॉक होने के बाद रुकना नामुमकिन है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। रूस की सेना आक्रामक है, सटीक निशाने वाली तोप की गरज से यूक्रेन को मात देना चाहती है। ड्रोन का डर फैला रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की को मिल रही लगातार मदद पुतिन की नींद उड़ाए हुए है। पुतिन की फौज का इलाज करने के लिए ज़ेलेंस्की को स्वीडन से मदद मिली है। 155 mm आर्चर SPG 155 मिलीमीटर की तोप अब यूक्रेन के जंगी बेड़े में एक मदद हथियार के तौर पर शामिल हो चुकी है। स्वीडन से की गई अपील के करीब एक महीने बाद ज़ेलेंस्की को आर्चर का तोप खाना मिल गया है। 31 अक्टूबर को ट्विटर पर यूक्रेन को मिले एक स्वीडिश आर्चर की पहली नुमाइश की गई। स्वीडन के आर्चर सेल्फ प्रोपेल्ड गन की कई वीडियो भी जारी किए गए। 155 मिलीमीटर आर्चर PAE सिस्टम की ओर से तैयार की गई स्वचालित होवित्ज़र है। 155 मिलीमीटर आर्चर में कंप्यूटराइज फायर कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। आर्चर से करीब 40 किलोमीटर तक टारगेट को मार गिराने की ताकत है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। आर्चर से मल्टी राउंड साइमल्टेनियस इंपैक्ट फायर हो सकता है, और ये हर 30 सेकंड के एक विस्फोट में 6 राउंड तक फायर करने में सक्षम है। रूस की आग उगलती मिसाइल है, जब फटती है तब बारूद का ऐसा तूफान उठता है जो सब खाक में मिला देता है। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों की बौछार की। अंधाधुंध बरसते अग्निबाणों ने युद्ध को धुआं धुआं कर दिया। खूनी संघर्ष में रूस के रॉकेट अटैक बेहद असरदार साबित हो रहे हैं, लेकिन अब रूस की उन्हीं मिसाइलों और टैंक का जवाब देने के लिए यूक्रेन को स्वीडन से मदद मिल गई है। अब यूक्रेनी सेना ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मनों का ठिकाना खोजने के साथ मिसाइल दागने और आर्टिलरी फायरिंग में कर रही है, तो सेल्फ प्रोपेल्ड गन से रूस के टैंकों का जवाब दे रही है। भले ही रूस के पास शक्तिशाली तोप हो, लेकिन यूक्रेन जंग में जहां तोपें काम नहीं कर रही हैं, वहां ड्रोन जंग का भविष्य तय कर रहे हैं।
और रशिया यूक्रेन जंग के मैदान से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां रूस ने यूक्रेन पर हमले का बड़ा दावा करते हुए एक वीडियो जारी किया है। जिस वीडियो में यूक्रेन के M777 पर ड्रोन से हमला किया गया है, जिसमें M777 टैंक रूस के हमले में तबाह होता नजर आया। तो फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से M777 टैंक को तबाह कर दिया गया है। टारगेटेड दरअसल यह अटैक था। रूस ने यूक्रेन पर यह बड़े हमले का दावा किया है, यूक्रेन के M777 पर ड्रोन से अटैक करके उसे तबाह कर दिया। और उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर आग और ऊंचे उठते जो धुएं का गुबार है वो दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो जारी करके कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। रूस ने ब्रिटेन पर नेवल फ्लीट पर हमले का बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने इस बाबत खुफिया तौर पर जानकारी मिलने का दावा किया। रूस ने यह भी आरोप लगाया है कि ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने यूक्रेन की मदद की है। रूस के आरोप के मुताबिक हमले के लिए ब्रिटेन के अंडरवाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और इस बीच रूस की ओर से ब्रिटेन के राजदूत को भी तलब किया जा चुका है। जहां रूस और ब्रिटेन के बीच चल रहा है एक अंडर वाटर वॉर, क्या समंदर के अंदर चल रहा यह संग्राम रूस और ब्रिटेन के बीच एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। क्रेमलिन से पुतिन का आदेश आया और मॉस्को के अंदर मौजूद ब्रिटेन के राजदूत को तलब कर लिया गया। इसी तरह लंदन के अंदर मौजूद रूस के राजनयिक ने भी इंटरव्यू में ब्रिटेन पर अंडरवाटर अटैक के आरोप लगाए। क्या ब्रिटेन ने पहले रूस की गैस पाइपलाइन पर हमले किए और इसके बाद काला सागर के अंदर रूस के बंदरगाह में रूस के नौसेना बेड़े पर हमला किया? क्यों समंदर के अंदर पुतिन ने अपनी महाशक्तिशाली मिसाइल RSM-56 बुलावा का परीक्षण किया है? क्या समंदर के अंदर नेटो और रूस की परमाणु ताकतें आमने सामने आ चुकी हैं? यूरोप में कैसे रूस के खिलाफ चल रही है अंडर वाटर साजिश? और कैसे यूरोप में एक और बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी लंदन की, जहां रूस के राजदूत ने तमाम चौंकाने वाले खुलासे करके हड़कंप मचा दिया है और इसी वजह से लगातार रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के अंदर रूस के राजनयिक आंद्रेई केलिन ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। ये सारे आरोप काला सागर में रूस की नौसेना पर हुए हमले को लेकर है। काला सागर से सटी क्राइमिया के बंदरगाह सेवास्तोपोल पर रूस के एक नौसेना बेड़े पर हमला हुआ था। इस हमले को लेकर पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है और पुतिन की नजरें ब्रिटेन पर टेढ़ी हो गई है। अब पुतिन के इशारे पर ब्रिटेन के अंदर ही मौजूद रूस के राजनयिक ने ब्रिटेन पर आरोप लगाए हैं। रूस के राजनयिक आंद्रेई क्रेलिन का आरोप है कि रूस के युद्धपोतों पर हमले की साजिश रचने में ब्रिटेन बहुत गहराई तक शामिल है। आंद्रेई क्रेलिन का दावा है कि रूस के पास पूरे सबूत हैं कि कैसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने सेवास्तोपोल के बंदरगाह पर ड्रोन हमले का निर्देश दिया। आंद्रेई ने बाकायदा धमकी देते हुए कहा कि रूस के नौसेना बेड़े पर हमले से जोखिम में खतरनाक बढ़ोतरी हुई है। आंद्रेई ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने समकक्ष को इसका सबूत भी दिया है और जल्द ही इन सबूतों को प्रकाशित भी किया जाएगा। Evidences on the participation of British special forces in preparation of the action against Sevastopol fleet has been delivered to British ambassador this morning and to the military attaché of Britain also this morning. So you've delivered the evidence, because these are very serious allegations. Yes. Why don't you show the world the evidence? Perfectly know about participation of British specialists in training, preparation and execution of plans against the Russian infrastructure and the Russian fleet in Black Sea. And we know that it has been done. As I said, we do have detailed things which has been delivered. इधर एक के बाद एक रूस ब्रिटेन पर नए नए आरोप लगा रहा है। रूस ने आरोप ये लगाया कि ब्रिटेन ने अपने अंडरवाटर ड्रोन से रूस के युद्धपोतों पर अटैक कर दिया। जी हाँ, और आपको बता दें कि मॉस्को ने तो ये भी दावा किया है कि यूक्रेन को ब्रिटेन की ओर से मदद मुहैया करवाई गई थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन काफी समय से अंडरवाटर ड्रोन तकनीक पर काम कर रहे हैं। आज
अपने नौसेना बेड़े पर हुए हमले से बौखलाए रूस ने मॉस्को के अंदर भी ब्रिटेन के राजदूत डेबोरा ब्रोनट को तलब किया था। इस बारे में कई वीडियो ट्विटर पर अपलोड किए गए हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि सेवस्तोपोल के बंदरगाह पर HMS मकारो समेत तीन रूसी युद्ध पोतों को निशाना बनाया गया। दावा ये भी किया गया है कि ये तीनों युद्ध पोत क्षतिग्रस्त हुए। कहा जा रहा है कि हमला पानी के नीचे मौजूद अंडरवाटर कामिकाजे ड्रोन से अंजाम दिया गया है। ड्रोन भी दो तरह के, एक जो आसमान से हमला करे और दूसरे वो जो समुद्र के अंदर युद्ध पोत पर हमला करे। रूस का आरोप है कि ब्रिटेन ने अंडरवाटर कामिकाजे ड्रोन से रूस के युद्ध पोतों पर हमला किया है। अमेरिका और ब्रिटेन बहुत लंबे समय से अंडरवाटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने तो एक ऐसा अंडरवाटर कामिकाजे ड्रोन तैयार कर लिया था जो समंदर के अंदर मौजूद बारूदी सुरंगों को पानी में नष्ट करने में सक्षम है। मॉस्को ने दावा किया है कि सेवस्तोपोल बंदरगाह पर हुए हमले में यूक्रेन ने एक्सपर्ट्स की टीम ब्रिटेन से ही बुलवाई। रूस के राजनयिक ने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है जो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा रहा है। You will provide evidence of British involvement in an attack on a Russian ship. Exactly. It will come public pretty soon, I guess perhaps today, perhaps tomorrow. But we know that it is happening, and it is dangerous because it escalates the situation. ब्रिटेन की तरफ से पुतिन के सभी आरोपों को गलत करार दिया गया है। ब्रिटेन की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि रूस ये सारे मनगढ़ंत आरोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो यूक्रेन के अंदर हो रही शर्मनाक पराजय से दुनिया का ध्यान भटका सके। सवाल ये है कि आखिर रूस के आरोपों में कितना दम है। एक बात जो साफ नजर आ रही है वो ये है कि पुतिन और ब्रिटेन के बीच तनाव में लगातार दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इससे पहले रूस ने ब्रिटेन पर यह आरोप भी लगाया कि ब्रिटेन की नौसेना ने ही रूस की नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ाया है। यानी बीते एक महीने के अंदर एक के बाद एक रूस का ब्रिटेन पर दूसरा आरोप है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां युद्ध में यूक्रेन की बढ़त की खबर। जहां खेरसोन में रूस की सेना पर यूक्रेन ने जबरदस्त अटैक किया है जिसमें दावा किया गया है कि रूस के सैन्य सामान तबाह कर दिए गए, जिसके साथ यूक्रेन के सैनिक भारी तादाद में टैंक और हथियारों के साथ खेरसोन के बाहर हुए। जंग में रूस के पसीने छूट गए। क्या युद्ध का ऐलान पुतिन पर भारी पड़ा। क्या हार के मुहाने पर खड़ा है रूस। वो सवाल है जिनका जवाब सिर्फ पुतिन जानते हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर अब युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आई है वो पुतिन का साथ देने वाले देशों को परेशान कर सकती है। जो 20 फरवरी को युद्ध का आगाज करने वाले पुतिन इतने कमजोर कभी नहीं दिखे। उनकी सेना कभी हारी हुई नजर नहीं आई, कभी रूस के टैंक तबाह होते नहीं दिखे, जो 24 घंटे के भीतर हो गया। आपको युद्ध की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये युद्ध किस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया और इस वक्त रूस और यूक्रेन कहां खड़े हैं। हाल ही में पुतिन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो खेरसोन में कदम पीछे हटा लें। इसके तहत अपने सैनिकों की तादाद भी रूस खेरसोन में कम कर रहा है, जिसे लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि हर तरफ मोर्चे पर मात खा रही रूस की सेना ने पुतिन को परेशान करके रख दिया है और वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसलिए यूक्रेन के कब्जे से खेरसोन छीन लेने के बाद आखिर क्यों वो यहां से अपने सैनिकों की तादाद कम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ज़ेलेंस्की कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यूक्रेन की सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही है और पुतिन के ऐलान के साथ ही यूक्रेन के टैंक खेरसोन इलाके की तरफ पड़ रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी फ्रेंच VAV
और ब्रिटिश हस्की के साथ साथ कई घातक हथियारों का जखीरा लेकर खेरसोन की तरफ बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में खेरसोन पर एक बार फिर से यूक्रेन का कब्जा हो सकता है। लेकिन फिर भी दुनिया हैरान है कि आखिर पुतिन ने ये कदम क्यों उठाया। वहीं द कीव इंडिपेंडेंट नाम की यूक्रेनी न्यूज़पेपर ने खबर दी है कि पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना के हवाले से खबर छपी है कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों और सैन्य उपकरणों और गोला बारूद डिपो के साथ 9 स्थानों पर हमला किया, यानी पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और पहले ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि पुतिन के पास तबाही का जो सामान मौजूद था वो अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है, जिसमें ड्रोन से लेकर मिसाइल तक शामिल है। और यही वजह है कि जो धार युद्ध की पिछले कुछ महीनों से दिख रही थी वो कम होती जा रही है और एक एक कर हर मोर्चे पर ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना पर भारी पड़ रही है, जिसकी तस्दीक ज़ेलेंस्की का ताजा बयान करता है जो आने वाले दिनों में एक खुशखबरी का जिक्र कर रहे हैं। Будемо відповідати і далі звільняти нашу. Ми очікуємо хороших новин щодо ППО і ПРО для України. एक तरफ ज़ेलेंस्की एक अच्छी खबर का जिक्र कर रहे थे तो वहीं एक वीडियो भी सामने आई जिसमें कुछ सैनिक रूस के झंडे को उतारते हुए नजर आए। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि यह वीडियो यूक्रेन और रूस बॉर्डर का है, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन करने के लिए एक पोल पर लहराते रूस के झंडे को उतार दिया। वही खेरसोन में कमजोर होती पुतिन की सेना को लगातार यूक्रेन की तरफ से झटके मिल रहे हैं। इस बीच दावा किया गया है कि खेरसोन में रूस और यूक्रेन के सैनिकों का आमना सामना हुआ। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों की टोली पर जबरदस्त हमला बोला, रूस के सैन्य सामानों को तबाह कर दिया। रूस की कई बोट इस हमले में पूरी तरह तबाह हुई। एक के बाद एक झटके पुतिन को अब युद्ध के मैदान में मिल रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है पुतिन का हथियारों का जखीरा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि पुतिन को पहले लगा था कि वो जल्द ही यूक्रेन को इस जंग में हरा देंगे, लेकिन ये युद्ध इतना लंबा और रूस के लिए घातक हो जाएगा इसके बारे में शायद कभी पुतिन ने भी नहीं सोचा होगा। और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन यूक्रेन पहुंचे हैं, जहां जैक सुलिवन और ज़ेलेंस्की के बीच काफी देर तक मुलाकात हुई और इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को 400 मिलियन डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है। यहां ज़ेलेंस्की को अमेरिका से नए आत्मघाती ड्रोन अब मिलने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को अपग्रेड हुए टैंक मिलने वाले हैं और यूक्रेन की फौज को एक बड़े एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस किया जाएगा। ये सब अमेरिका की स्पेशल गिफ्ट है जो ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध वाली लॉटरी निकलने जैसा है। ज़ेलेंस्की की आंखें चमक उठेंगी जब उनको पता चलेगा कि अमेरिका से हजारों करोड़ की फिर बारिश होने वाली है। ज़ेलेंस्की का दिल धक धक करने लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि टैंक से लेकर नई मिसाइल उनको मिलने वाली है। ज़ेलेंस्की मुस्कुराते हुए नहीं थकेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हथियारों का बहुत बड़ा पैकेज यूक्रेन को मिलने वाला है। पुतिन से टक्कर लेने के लिए ज़ेलेंस्की को मिलने वाली है एक बहुत बड़े पैकेज की नई किश्त, जो यूक्रेन की फौज के लिए नई उम्मीद है। तो पुतिन के लिए ऐसा खतरा जो यूक्रेन में मिली कामयाबी को हार में बदल सकती है। पूरी दुनिया में रिपोर्ट छप चुकी है कि ज़ेलेंस्की 10, 20, 30, 40 नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि 400 मिलियन के उनको हथियार मिलने वाले हैं। अमेरिका से लेकर अरब की दुनिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक अखबार और न्यूज वेबसाइट इस खबर से पची पड़ी हैं।
आखिर 400 मिलियन डॉलर की मदद में ज़ेलेंस्की को क्या क्या मिलने वाला है, इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़ेलेंस्की की नई ताकत का पता चलेगा, जिसके बारे में पुतिन भी बहुत बेसब्री से जानना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को 1100 घोस्ट ड्रोन मिलने वाले हैं। ये आत्मघाती ड्रोन पुतिन की फौज पर पैनी नजर रखेंगे। ज़ेलेंस्की को चेक गणराज्य के जरिए 45 T-72 टैंक भी मिलेंगे ताकि वो पुतिन की बढ़त को रोक सके, उन पर जवाबी हमला कर सके। नाइपर नदी से पुतिन के फौज पर निगरानी रखने के लिए 40 फास्ट बोट भी मिलेंगी। ज़ेलेंस्की को हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा जो अमेरिका अपने गोदाम से यूक्रेन में सप्लाई करेगा। इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की फौज को दी जाएगी। T-72 तो यूक्रेन पहले से इस्तेमाल करता आ रहा है और उसे चेक गणराज्य के रास्ते मिलने वाले इन टैंक की डिलीवरी 2023 में भी होती रहेगी। जब अमेरिका से ये सवाल पूछा गया कि वो अपना नया टैंक यूक्रेन को क्यों नहीं दे रहा, तो इसका जवाब देखिए। Why aren't we providing new tanks or American tanks? Introducing a new main battle tank is extremely costly. It's time sensitive, and it would be a huge undertaking for the Ukrainian forces. So we do continue to consult with our allies and partners to assess our ability on what we can provide in terms of Western armor platforms. But these tanks, we believe, will make a difference on the battlefield. टैंक के अलावा यूक्रेन को मिलने जा रहे ड्रोन सिस्टम और नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ज़ेलेंस्की का जोश बहुत हाई करने वाले हैं। पुतिन को इसमें तो जरा भी शक नहीं होना चाहिए। फिनिक्स ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है जो अपने टारगेट पर जाकर टकरा जाता है और उसे अपने धमाके से पूरी तरह तबाह कर देता है। फिनिक्स ड्रोन को लेकर ज़ेलेंस्की की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से बदला पूरा करना चाहते हैं। 400 мільйонів доларів. І, зокрема, це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую президенту Байдену, Конгресу США і усьому американському народу за незмінну і життєво потрібну допомогу. युद्ध में यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका ने 18 बिलियन डॉलर की मदद का वादा किया था। यही वजह है कि यूक्रेन रूस को बराबर टक्कर भी दे रहा है। उसके हर काउंटर अटैक में अमेरिका की मदद शामिल है, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को और फंड की जरूरत है और उनको कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि ज़ेलेंस्की को चाहिए 3 लाख करोड़। ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन के ऊपर डॉलर की बारिश चाहते हैं। सवाल है कि हथियारों की बराबर सप्लाई के बीच ज़ेलेंस्की पैसों की बारिश चाहते हैं। आखिर 3 लाख करोड़ का क्या करेंगे ज़ेलेंस्की? इतना कैश ज़ेलेंस्की ने कभी देखा भी होगा? 3 लाख करोड़ से क्या ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेंगे या कुछ और करेंगे? आखिर पुतिन को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को क्यों चाहिए 3 लाख करोड़ रुपए? क्या ज़ेलेंस्की को मिला फंड खत्म हो चुका है? 8 महीने से जारी युद्ध में ज़ेलेंस्की का बजट क्या पूरी तरह बिगड़ चुका है? ज़ेलेंस्की के अकाउंट बैलेंस की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। यूक्रेन में हाई वेलोसिटी युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की बड़ी डिमांड है। वो पश्चिमी देशों, पूरे यूरोप और नेटो से 3 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं। युद्ध लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने अभी तक जो मांगा है वो मिला है। रूस से टक्कर लेने के लिए अमेरिका और नेटो ने ज़ेलेंस्की की हर ख्वाहिश पूरी की है, चाहे वो अमेरिका और ब्रिटेन से मिली जेवलिन और एन लॉ जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, चाहे वो रूस के विमानों को गिराने के लिए अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल हो, चाहे वो रूस की मिलिट्री पोजीशन पर बमबारी के लिए अमेरिका के हाई मास रॉकेट सिस्टम हो, चाहे वो अमेरिका से ही मिली M777 तोप और उसके हजारों गोले हो, चाहे वो पोलैंड और चेक गणराज्य से मिले T-72 टैंक ही क्यों ना हो। इस वक्त ज़ेलेंस्की का इरादा पूरी ताकत समेटने का है। रूस की पोजीशन को लगातार अटैक करने का उनका काम जारी है। डॉनबास में उनकी फोर्स ने फाइट बैक वाली रणनीति पर तेजी से काम किया है और यही वजह है कि पुतिन को कुछ मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगा है।
इस वक्त युद्ध में रूस को हराने के लिए जेलेंस्की को जो भी चाहिए वो उसे अपनी पहुंच में चाहते हैं। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि रूस की फौज पर लगातार गोले बरसाने, उसका हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के ड्रोन को उड़ाने के बाद इस वक्त जेलेंस्की का गोदाम कितना भरा है, कितना खाली है और 3 लाख करोड़ से वो क्या क्या करना चाहते हैं। 3 लाख करोड़ में जेलेंस्की किसका किसका गोदाम भरेंगे, यूक्रेन के युद्ध में ये बहुत बड़ा सवाल है। खेरसोन में इस वक्त पुतिन ज्यादा प्रेशर में है, तो पुतिन ने